आई नो भाई ये सीरीज का रिव्यू बहुत ज्यादा लेट है, लेकिन दोस्तों जैसा आपकी नजरें धोखा खा गई थी वैसा भी मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी भाई इस सीरीज को बहुत ज्यादा कम आंक लिया था, लेकिन दोस्तों कहीं इसमें दिक्कत भी है, कहीं दोस्तों ये सीरीज बहुत अच्छी भी लगेगी आपको, कहीं ये सीरीज आपको निराश भी कर देगी। दोस्तों आज रिव्यू करने वाले हैं मत्स्य कांड का, साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में इस बात का भी जवाब मिलने वाला है आपको कि भाई मैंने मत्स्य के कैरेक्टर को आखिरकार प्रोफेसर से क्यों कंपेयर किया हुआ है, सारी चीजों पर दोस्तों आपसे बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके भाई कर लो, यकीन मानो भाई मूवी सिनेमा से रिलेटेड सारा कंटेंट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो विदाउट कटी एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों बात कर लेते पहले कहानी के बारे में। तो कहानी है मत्स्य नाम के कैरेक्टर की, जो कि जेल में अपनी सजा काट रहा है। जेल से भागने की बहुत बार कोशिश भी की लेकिन हर बार नाकामयाब। तभी उसकी मुलाकात होती है एक आनंद पंडित नामक क्रिमिनल से, जो कि खुद एक बहुत ज्यादा शातिर क्रिमिनल है। लेकिन भाई इनको हल्के में लेने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि इनका दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज चलता है। बस दोस्तों जेल में मत्स्य और आनंद की जोड़ी बन जाती है, और यहाँ पर आनंद पंडित मत्स्य को जेल से भागने के लिए बहुत बड़ी एक हेल्प करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ पर मत्स्य जेल में है क्यों, और आनंद पंडित की जेल में आने की क्या कहानी है, क्या पूरा सच है इस कैरेक्टर के पीछे। साथ ही दोस्तों मत्स्य की प्रॉब्लम्स भी यहाँ खत्म नहीं होती। जेल से भाग जाने के बाद एक बहुत ही शातिर इंस्पेक्टर उनके पीछे पड़ जाता है, जिसका नाम है तेजराज सिंह। लेकिन हमारा मत्स्य भी कुछ कम नहीं है, पूरा प्रोफेसर है भाई, इतना आसान भी नहीं है मत्स्य को पकड़ना। बस अभी इन्हीं दोनों के बीच में चोर पुलिस का खेल चलता रहता है, कौन जीतेगा कौन नहीं। साथ ही में मत्स्य ने ऐसा क्या संगीन अपराध किया हुआ है जिससे कि उसको जेल जाना पड़ा। इन सारी चीजों का जवाब आपको मिलने वाला है मत्स्य सीरीज में, जो कि एमएक्स प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है भाई। चलिए दोस्तों अब एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई रवि दुबे ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, वहीं दोस्तों रवि किशन ने भी कुछ कम नहीं किया हुआ है, एक अपने रोल में बहुत अच्छे तरीके से फिक्स बैठते हैं वो। भाई दोस्तों रवि किशन के बारे में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि कहीं कहीं उनको बहुत ज्यादा खतरनाक बताने की कोशिश की जाती है, जहां तक कि बीजीएम भी बहुत जोरदार रखा जाता है, लेकिन उतना उनसे डर नहीं लगता। हालांकि भाई रवि किशन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बाकी दोस्तों इसमें जो भी अदर एक्टर्स हैं जैसे कि जोया फरोज और मधुर मित्तल, इन सबका काम बहुत ही सही है, जितनी जगह भी इनकी जरूरत है वो बहुत सही है। बस भाई जोया अफरोज को फाइट सीक्वेंस कभी भी मत देना, उनको बिल्कुल भी नहीं आता भाई सीधी बात। देखो दोस्तों स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन दोस्तों एक एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो भाई स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। बात करें दोस्तों अगर स्क्रीन प्ले की तो भाई स्क्रीन प्ले भी जोरदार है, आपको धड़ाधड़ ऐसे सीन रखे जाएंगे ना भाई कि भाई आपको ये सीरीज फेविकॉल की तरह चिपका कर अपने पास रख लेगी। बाकी दोस्तों पूरी कहानी को महाभारत से जोड़ने की एक जो क्रिएटिविटी है वो भी बहुत लाजवाब है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ महाभारत के कैरेक्टर्स के थ्रू मिलता है, ये एक बहुत ही मुझे यूनिक क्रिएटिविटी लगी। बाकी दोस्तों इस फिल्म के एक नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करूं तो भाई वो है इसका VFX, बहुत ही नाक कटाने वाला है भाई, बहुत ही नाक कटाने वाला। अगर आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा डिटेल देखना पसंद करते हो तो भाई आपको ये डिटेल्स अखर जाने वाली है, जो कि VFX में की गई है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसमें एक सीन आता है जहां पर ये लड़की एक मोशन कार में एक लड़के को फूल देती है। भाई आप वो सीन को देखना और मुझे आकर कमेंट में बताना भाई कि वो सीन आपको कैसा लगा। बाकी दोस्तों सिनेबॉय की तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार, 1 स्टार भाई VFX का नाम का तो काटूंगा मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बट योर ओपिनियन इज इम्पोर्टेंट। आपने मत्स्य कांड देखी है नहीं देखी, और अगर देखी है तो आपको कैसी लगी, आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे, सारी सीरीज अगर कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक लिए बाय।